नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फिल्मी गाने की जिसने भारत में वो हंगामा मचाया था कि उसे बैन करवाने के लिए 42 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और कई समाजसेवी संस्थाओं ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1993 में आई फिल्म खलनायक के गाने चोली के पीछे क्या है की। इस गाने से संबंधित बहुत सारी रोचक बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस गाने में ऐसा क्या है कि लोगों ने इसका इतना जोरदार विरोध किया था। दरअसल इसके विरोध के कारण थे इसके डबल मीनिंग बोल, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। एक तरह से देखा जाए तो लोगों का विरोध करना भी गलत न था, परंतु उन दिनों इस गीत के लेखक ने मीडिया में अपनी सफाई देते हुए कहा था कि गाने का मतलब वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। जिस पंक्ति को लोग विवादास्पद कह रहे हैं उसका मतलब तो मैंने खुद ही अगले कुछ पंक्तियों में बता रखा है कि चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, अर्थात मैं दिल की बात कर रहा हूँ। मेहरबानी करके लोग इसका गलत मतलब न निकाले। खलनायक फिल्म के इस विवादास्पद गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने तथा इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गाने को फिल्म में मेल तथा फीमेल दो अलग अलग वर्जन में रखा गया था। गाने के मेल वर्जन में आवाज थी विनोद राठौड़ और साथियों की तथा फीमेल वर्जन गाया था अलका याग्निक और इला अरुण ने। फिल्म में इस गाने को माधुरी दीक्षित, नीना गुप्ता और संजय दत्त पर फिल्माया गया था। इस गाने की बदौलत फिल्म खलनायक के ऑडियो कैसेट की 1 करोड़ कॉपियां बेची गई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि गाने के बोल ने जो भी विवाद खड़ा किया हो, परंतु इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान ने उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था तथा अलका याग्निक और इला अरुण को संयुक्त रूप से इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इस गाने के बारे में बात करते हुए गायिका इला अरुण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्हें यह गाना दिया गया तो वो भी थोड़ा हिचकी थी कि गाने के बोल कहीं विवाद न खड़ा कर दे, परंतु जब उन्होंने सुना कि इसके बोल महान गीतकार और शायर आनंद बख्शी ने लिखा है तो समझ गए कि वास्तव में इस गाने में जरूर कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। आप इला अरुण के इस विचार से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि उन दिनों जब इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां और कई समाजसेवी संस्थाएं इस गाने के विरोध में खड़ी हो गई थी तो सरकार ने मजबूरन इसे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया था, परंतु बाद में इस पर से यह बैन हटा लिया गया। इस गाने से जुड़ा हुआ एक अनोखा तथ्य यह भी है कि यह गाना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का फेवरेट आइटम नंबर में से एक है। सन 2003 में बीबीसी के द्वारा कराई गई एक सर्वे में इस गाने ने बॉलीवुड इतिहास का सबसे हॉट गाने का खिताब भी जीता था। आप इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही मनोरंजक और चटपटी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।